नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी भी अब समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उस पर अमल करने वाले नहीं है। प्रदेश से बाहर गए अपराधी वापस आ गए है और बेधड़क अपनी आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दे रहे है। उन्होंने उन्हें न खाकी का डर रह गया न ही खादी का। उत्तर प्रदेश को भाजपा राज में अपराधी प्रदेश बनने की बदनामी भी उठानी पड़ रही है। बदायूं में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कादर चेक इलाके में एक महिला को तेजाब पिलाया गया और चाकू से उसका पेट फाड़ दिया गया। इस जघन्य कांड से इलाके में दहशत है। बांदा में दस्यु प्रभावित क्षेत्र फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव में सराफ को बदमाशों ने लूट लिया। पुलिस सूचना के 2 घंटे बाद तक नहीं पहुंची। सराफ को गोली मारने के बाद बदमाश उसके पास से जेवर भी लूट गए। हरदोई में मामूली विवाद के किसान के घर पर हमला कर परिवारजनों को पीट कर घायल कर दिया गया। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा क्षेत्र के गांव शरीफ नगर में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे को बदमाश अपहरण कर ले गए। मजदूर के बेटे का बाद में शव मिला। वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में पंचकोसी पैगंबरपुर में एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस बच्चों के अपहरण के मामले में निष्क्रिय साबित हुई। बिलखते परिवार के प्रति खाकी में संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, यह निंदनीय है। उन्नाव में रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने से पीड़ित महिला को अपने पिता का शव लेकर एसपी कार्यालय तक इंसाफ मांगने के लिए जाना पड़ा। लखनऊ में ठाकुरगंज क्षेत्र में जिला बदर बदमाश घर में आराम करता मिला। गोमती नगर में माई बार में नशे में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस मेहरबान रही। लखनऊ में ही गुड़म्बा में महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की तो उससे रेप का प्रयास किया गया। वस्तुत भाजपा के संरक्षण में ही अपराध पनप रहे हैं। खनन, अवैध शराब और दूसरी अवांछनीय गतिविधियों में खुद भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। वैसे भी यह सरकार जाति धर्म को निगाह में रखकर निर्णय लेती है व राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से काम करती है। जनता इस सबसे बुरी तरह आक्रोशित है। वह हर हालात में बदलाव के लिए 2022 का इंतजार कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम जीरो है, ना के बराबर है। और हमारे मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये दावा पूरा झूठा साबित हो रहा है। रोज इतनी घटनाएं हो रही है, आपको ये थोड़ी ही घटना आपको मैंने सुना के बताई, पर ये बहुत सारी घटना उत्तर प्रदेश में जो हो रही है पूरा जंगल राज बन चुका है। दोस्तों, इसीलिए हमें 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी की सरकार बना के, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश को उनके हाथ में देना है, ताकि हमारी उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल रहे और हमारी बहन बेटियां खुशहाल रहे। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, नमस्कार।